स्टूडेंट्स, आज मैं द होम कमिंग का लास्ट पार्ट बताऊंगा, पार्ट नंबर 5, और आज ये लेसन पूरा हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे ए पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस। दिन की समाप्ति पर, मतलब जब दिन समाप्त हो गया था, रात होने वाली थी, तो पुलिस की एक वैन घर के दरवाजे पर रुकी। It was still raining and the streets were all flooded. इस समय बारिश हो रही थी और जो गली थी वो पानी से भरी हुई थी, मतलब गली में पूरा बाढ़ आया हुआ था, पानी से भरा हुआ था। Two constable brought out Fatty in their arms and placed him before December. दो कांस्टेबल फटिक को अपनी बाहों में भर कर लाए और बिसंभर के सामने रख दिया। बिसंभर के सामने उसने रख दिया। ही वॉज वेट थ्रू फ्रॉम हेड टू फुट मडी ऑल ओवर इन हिज फेस एंड आईज फ्लश्ड रेड विथ फीवर एंड हिज लिम्स आर ट्रिम्बलिंग। अब यहाँ पे फटिक के बारे में बता रहा है। ये फटिक सिर से पांव तक भीगा हुआ था, उसके शरीर पे ऊपर से नीचे तक कीचड़ लगा हुआ था, उसके चेहरे पे कीचड़ लगा हुआ था। हिज फेस एंड आईज फ्लश्ड रेड विथ फीवर, उसका चेहरा और आँख बुखार से तप रहे थे। एंड हिज लिम्स आर ट्रिम्बलिंग, और उसके सभी अंग कांप रहे थे। लिम्स मतलब शरीर के अंग, सभी अंग कांप रहे थे। ट्रिम्बलिंग मीन्स कांपना। बिसंभर कैरीड हिम इन हिज आर्म एंड टुक हिम इन टू द इनर अपार्टमेंट। बिसंभर ने फटिक को अपनी बाहों में उठाया और अपार्टमेंट के अंदरूनी हिस्से में लेके गया। व्हेन हिज वाइफ सा हिम सी एक्सक्लेम्ड What a heap of trouble this boy has given us. और जब बिसंभर की पत्नी ने उसको देखा, फटिक को देखा, तो बोली, What a heap of trouble. Trouble मतलब कष्ट, परेशानी, heap मतलब संग्रह, this boy. यह लड़का हमारे लिए परेशानियों का गट्ठर है। Had not you better Sent him home. तुम्हारे लिए क्या यह बेहतर नहीं होगा कि इसको इसके घर भेज दो? पूछती है उसकी पत्नी बिसंबर की कि क्या तुम्हारे लिए यह बेहतर नहीं होगा कि इस लड़के को इसके घर भेज दो, क्योंकि यह परेशानियों का गट्ठर है, नियमित रूप से कोई ना कोई परेशानी हमारे लिए खड़ा करता रहता है। फटिक हर्ड हर वर्ड्स एंड सॉब्ड आउट लाउड। फटिक ने उसके शब्दों को, उसकी बातों को सुना और सुबकते हुए, सॉफ्ट मतलब सुबकना, सुबकते हुए तेजी से बोला, अंकल आई वॉज जस्ट गोइंग होम। मामा जी, मैं तो घर ही जा रहा था। बट दे ड्रैग मी बैक अगेन, लेकिन उन लोगों ने मुझे खींच लाया वापस दोबारा, मतलब पुलिस वालों ने मुझे दोबारा वापस ले आया। द फीवर रोज वेरी हाई एंड ऑल दैट नाइट द बॉय वॉज डिलीरियस। बुखार बहुत ज़्यादा था और पूरी रात लड़का उन्मत्त रहा। उन्मत्त रहा मतलब बेचैन रहा, कभी इधर उधर करवट बदलना, हाथ पैर पटकना, इस तरह के भाव जो उसके नियंत्रण में नहीं थे। बिसंभर ब्रॉट इन ए डॉक्टर। बिसंभर ने एक डॉक्टर को बुलाया, एक चिकित्सक को बुलाया। फटिक ओपेंड हिज आईज फ्लश्ड विथ फीवर एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग एंड सेड वैकेंटली। फटिक ने अपनी आंखें खोली जो कि बुखार से तप रही थी। अब जब डॉक्टर आया तो फटिक ने अपनी आंखें खोली जो बुखार से तप रही थी और उसने सीलिंग की तरफ देखा, छत की तरफ देखा। एंड सेड वैकेंटली, और बिल्कुल ही शून्यता के भाव से बोला। वैकेंटली मतलब जिसमें कोई भाव ना हो। अंकल हैव द होलीडेज कम इट
मे आई गो होम। मामा जी, क्या छुट्टियाँ हो गई हैं? छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, क्या मैं घर जा सकता हूँ? फटिक हर्ड हर वर्ड्स, नहीं यहाँ से बताना है। बिसम्बर वाइप द टीयर्स फ्रॉम हिज ऑन आईज एंड टुक फटिक्स लीन एंड बर्निंग हैंड्स इन हिज ऑन एंड सेट बाई हिम थ्रू द नाइट। उसकी बातें सुनकर उसके मामा बिसम्बर रो पड़ रहे थे और उन्होंने रोते हुए अपने आंसुओं को पोछा, अपनी आंखों से आंसुओं को पोछा और एंड टू फटिक्स लीन एंड बर्निंग हैंड्स, और जो जो फटिक का पतला और गर्म, मतलब बुखार से गर्म हाथ था, उसको अपने हाथों में ले लिया और रात भर फटिक के पास बैठे रहे। द बॉय बिगेन अगेन टू मटर। अब उस लड़के ने दोबारा बड़बड़ाना शुरू किया, मटर मतलब बड़बड़ करना। एट लास्ट हिज वॉयस बिकम एक्साइटेड, अंत में उसकी आवाज काफी उत्तेजित हो गई। मदर ही क्राइड, डोंट बीट मी लाइक दैट। उत्तेजना के भाव के साथ उसने कहा, माँ मुझे इस तरह से मत मारो। माँ आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सच कह रहा हूँ माँ, मुझे इस तरह से मत मारो। द नेक्स्ट डे फटिक बिकेम कॉन्सियस फॉर ए शॉर्ट टाइम। अगले दिन थोड़े समय के लिए फटिक को होश आया। अभी तक वो अर्धमूर्छा की हालत में था, कुछ भी बड़बड़ा रहा था, उसको पता नहीं था कि वो क्या कह रहा है या क्या कर रहा है। ही टर्न्ड हिज आई अबाउट द रूम एज ही एक्सपेक्टिंग समवन टू कम। उसने अपनी आंखों को रूम में चारों तरफ घुमाया, कुछ इस तरह से जैसे उसे उम्मीद थी, उसे आशा थी कि कोई आया है। विथ एन ईयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट हिज हेड सैंक बैक ऑन द पिलो। और एक निराशा के झोंके के साथ जो उसने पाया, जिसकी वो अपेक्षा कर रहा था, वो कमरे में कहीं नहीं दिखा, तो एक निराशा का झोंका के साथ उसका सिर फिर से तकिए में धस गया है। फिर से तकिए उसने अपने सिर को रख दिया। ही टर्न हिज फेस टू द वॉल विथ ए डीप साई। उसने अपने चेहरे को दीवार की तरफ घुमा लिया एक गहरी सांस भरते हुए। बिसम्बर न्यू हिज थॉट एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड विस्पर्ड, फटिक आई हैव सेंट फॉर योर मदर। बिसम्बर उसके विचारों को, उसकी मन स्थिति को समझ गया और उसने उसके सिर पे झुकते हुए हल्के से फुसफुसाया, फटिक मैंने तुम्हारी माँ को बुला भेजा है, मैंने उसको बुलावा दे दिया है। द डे वेंट बाई, वह दिन गुजर गया। द डॉक्टर सेड इन ए ट्रबल वॉयस दैट द बॉयज कंडीशन वॉज वेरी क्रिटिकल। जो डॉक्टर आया था उसने जांच पड़ताल करके बोला, काफ़ी परेशानी के शब्दों में बोला, क्रिटिकल वॉयस मतलब ट्रबल वॉयस मतलब परेशानी के शब्दों में, कि लड़के की जो स्थिति है बहुत ही नाजुक है। क्रिटिकल कंडीशन मतलब नाजुक स्थिति। फटिक बिगैन टू क्राई आउट, बाय द मार्क 3 फैथम, बाय द मार्क 4 फैथम, बाय द मार्क। अब फटिंग फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया। यह चिल्लाहट जो थी उसकी मतलब होशो हवास में नहीं कर रहा था, बल्कि वह हर्दमूर्छित हालत में था। वह क्या बोल रहा है या क्या कर रहा है उसे खुद भी पता नहीं था। तो उसने चिल्लाते हुए बोला कि बाय द मार्क 3 फैटम। 3 फैटम एक यूनिट होता है नापने का, 6 फीट का 1 फैटम होता है, जैसे 30 सेंटीमीटर का 1 फीट होता है, उस तरह से 6 फीट का 1 फैटम होता है। तो बाय द मार्क मतलब चिन्ह के लिए कहा गया 3 फैटम, बाय द मार्क 4 फैटम, बाय द मार्क, यह चीज़ दोहराता रहा कि चिन्ह पर निशान पर 3 फैटम है या निशान पर 4 फैटम है, या इस चीज़ को वह दोहराता गया। He had heard the sailor on the river steamer calling out the mark on the plumb line। और ये बातें उसने सुना था एक नाविक के द्वारा और स्टीमर पर, जब वह प्लम लाइन पे था।
तो स्टीमर को चलाने वाले, स्टीमर पे यात्रा करने वाले को नाविक ही कहते हैं। तो नाविक लोग जब नदी में होते हैं, रिवर में होते हैं, तो वो लोग अपना आंकते हैं कि कहाँ पे कितनी गहराई है। तो कोई सेलर ऐसा कह रहा था बार बार, ये बातें उसके दिमाग में कहीं और चेतन मस्तिष्क पे बैठी हुई थी। और मूर्छित अवस्था में यह लड़का उन बातों को कहे जा रहा था बिना सोचे समझे। नाउ ही वाज हिमसेल्फ प्लम्बिंग एंड अनफैथमेबल सी। प्लम्बिंग मतलब होता है गहराई नापना, और अनफैथेबल मतलब होता है अथाह। लेकिन वह स्वयं ही एक अथाह सागर को नाप रहा था। यह अथाह सागर को अगर व्याख्या किया जाए तो बहुत बड़ी बात है, कि वह अपने अंदर जो उस दुखों का और उपेक्षा का जो भाव था, जो गहराई थी उपेक्षित होने का, जो उसको तकलीफ मिली थी अनचाहे में अपने कुटुंबजनों से, तो उसको नापते नाप रहा था। लेटर इन द डे फटिक्स मदर बर्स्ट इन टू द रूम लाइक ए व्हर्ल विंड एंड बिगेन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड एंड मोन एंड क्राई इन ए लाउड वॉइस। अगले दिन फटिक की माँ एक भंवर की तरह कमरे में प्रकट हुई। मतलब अगले दिन वह अचानक ही कमरे में आ गई तेजी से। वर्लविंड मतलब भंवर होता है। एंड बिगन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड, और एक कोने से दूसरे कोने में जाने लगी, मतलब दौड़ने भागने लगी, कूदने लगी, क्योंकि वह भी बहुत असहज हो गई थी, असामान्य हो गई थी। सेड एंड मून एंड क्राई इन ए लाउड वॉयस, और वह भी तेज आवाज में चिल्ला रही थी, करा रही थी। आखिर फटिक उसका बेटा था, और बेटी की जो हालत थी उसको देखते हुए वह भी बेसुध होकर कमरे में इधर इधर उधर दौड़ रही थी, चिल्ला रही थी और करा रही थी। बिसम्बर ट्राइड टू काम हर एजिटेशन बट शी फ्लंग हर सेल्फ ऑन द बेड एंड क्राइड फटिक माई डार्लिंग। बिसम्बर ने फटिक की माँ को शांत करने का प्रयास किया। एजिटेशन मतलब उत्तेजना, उसकी उत्तेजना को शांत करने का प्रयास किया। काम मतलब शांत। बट सी फ्लंग हर सेल्फ ऑन द बेड एंड क्राइड फटिक माई डार्लिंग। लेकिन वह अपने भाई से छुड़ाते हुए बेड पर पहुंच जाती थी और उसको कहती थी फटिक के पास खड़ी होकर या उसको पकड़ के, कि फटिक माई डार्लिंग, फटिक मेरे प्रिय। फटिक स्टॉप हिज रेस्टलेस मूवमेंट फॉर ए मोमेंट। फटिक ने अपनी बेचैन गतिविधियों को कुछ क्षण के लिए रोक दिया। रेस्टलेस मतलब बेचैन, मूवमेंट मतलब गतिविधियाँ। बेचैन गतिविधियों का मतलब है कि जो वह बड़बड़ा रहा था या अपने करवट बदल रहा था, हाथ पैर पटक रहा था, और ऐसा वह अर्धमूर्छा की हालत में कर रहा था, तो इन गतिविधियों में कुछ क्षण के लिए रोक लग गई। हिज हैंड्स कीस्ट बीटिंग अप एंड डाउन ही सेड ए। उसका हाथ जो ऊपर नीचे बेड पर हो रहा था, बेड बिस्तर को पीट रहा था, वह रुक गया। उसने रोक दिया अपने हाथों को ऊपर नीचे पटकना, और उसके मुंह से आवाज निकली, आ। द मदर क्राइड अगेन, फटिक माई डार्लिंग। उसकी माँ ने दोबारा चिल्लाया, फटिक मेरे प्रिय, मेरे प्रिय। फटिक वेरी स्लोली टर्न हिज हेड एंड विदाउट सीइंग एनी बॉडी सेड, मदर द होलीडे हैव कम। फटिक ने बहुत ही धीरे से अपने सिर को घुमाया, बिना किसी को देखे हुए बोला, माँ क्या छुट्टियाँ शुरू हो गईं? मतलब छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं तुम्हें।